सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर कोई भी फिल्टर वगैरह का यूज़ करते हो, आपको ब्लू जैसे कि यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी फिल्टर लेते हो ब्लू फिल्टर प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व किस तरीके से कर सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर गाइस न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप जाते हो इफेक्ट वगैरह में, तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कैमरा वगैरह खोलते हो, यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ जाती है फिल्टर्स में, कभी कभी छो भी नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के जाना प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद इंस्टाग्राम सर्च करना है, उसके बाद इस तरीके से अपडेट मिलेगा तो आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सही हो जाती है, अगर आपके सही फिर भी नहीं होती तो दूसरा तरीका ये है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स वाले सेक्शन पर क्लिक करके ऐप मैनेजमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें आपको ऊपर सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ से इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको स्टोरेज यूजर्स पर क्लिक करके इसका डाटा जो क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सही हो जाती है, अगर आपकी सही होती है तो ठीक है, नहीं है तो आपको क्लियर डाटा भी कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, फिर भी सही नहीं होती है तो आपको इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करके वापस डाउनलोड करना है, उसके बाद आप वापस अपना अकाउंट लॉगिन करना है तो आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, पसंद है तो लाइक करना, साथ ही गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।